हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज क्या हुआ कि हमारी जो आंटी थी टिफिन वाली, जिनसे हम टिफिन लेते थे, उन्होंने छुट्टी कर ली। पता नहीं क्यों, बस बहुत ज्यादा छुट्टियां करने लग गई, तो हमें समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं दोपहर में। भूख भी बहुत लग रही थी, तो हम हो गए फटाफट तैयार और हमने कहा चलते हैं, देखते हैं कहीं पे भी चले जाएंगे, जहाँ पहुंच जाएंगे वहीं खा लेंगे कुछ। तो हम ये जा रहे और बारिश का मौसम भी था और रात में बारिश भी हुई थी काफी, और ये सामने से हम लोग बाइक से लड़ते लड़ते बचे। ये हमारे साथ हो जाता है कभी कभी, वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे बट खैर उन्होंने हमें अजीब से लुक्स दिए और हम आगे बढ़ गए उसके बाद। और आप लोगों के यहाँ पे भी क्या ऐसे खूब सारे होल्स होते हैं क्या रोड पे, जिसमें खूब सारा पानी भरा होता है, कूद कूद के निकलना पड़ता है? ये सभी जगह होगा, अगर इंडिया में है आप तो हर जगह मिलेगा आपको ये सब चीजें बारिश में। तो फिर उसके बाद हम बस जा रहे हैं आगे, मौसम भी अच्छा था और एक ही भैया सामने खड़े थे, इनको लगा हम लोग इनका वीडियो बना रहे हैं, इन्होंने कैमरा देगा तो। लेकिन फिर उनको लगा नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ और वो आगे बढ़ गए। फिर उसके आगे जा रहे थे तो हमें एक जगह टिफिन का वो लगा मिल गया, तो हमने कहा ले लेते हैं फोटो, पता नहीं कब धोखा देते हैं। फिर ये होता है ना, थोड़े थोड़े दिनों पे टिफिन अच्छा नहीं देते हैं, कभी अच्छा दिया, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा देंगे हर एक चीज, बाद में फिर बहुत इधर उधर का देने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ का, हमें छोला समोसा बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी जगह, बहुत प्लेन सी सिंपल सी है, बट यहाँ हमें छोला समोसा बहुत अच्छा लगता है। देखिए देखने में भी बढ़िया लग रहा है, खाने में भी टेस्टी होता है और रेट्स भी ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल होते हैं बाकी स्ट्रीट फूड जैसा। फिर हम वापस आ गए और हमारा कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था तो हमने ले ली जलेबी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल और हंसते रहिए हंसाते रहिए।